acknowledge their feeling with a word. देखिए मैडम आपकी बात भी इधर आ गई. I see. Okay. Give their feeling a name. अच्छा नाम दो उसको. तुम बहुत अच्छे हो. You are kind hearted. तुमने टीचर की मदद की. दूसरी बार बच्चा मदद करेगा या नहीं करेगा? श्योर करेगा. Yes. Oh my God, you did such a good thing. Charity. Word दे दो उसको. एक word दिया because he is learning that. वो लैंग्वेज हमारी सीख रहा है. आपको उसको चैरिटी बताओ उसको. ये एक्शन को चैरिटी बोलते हैं. इस एक्शन को चैरिटी बोलते हैं. आप उसको सिखाओ. बस आप उसके पेरेंट हो. कौन सिखाएगा उसको? हम डिपेंड करते हैं टीचर पे. और टीचर 45 मिनट में बाहर. आई एम सॉरी इफ एनीबडी टीचर हो गई यार. ओके आई डोंट मीन टू से दैट. बट जो 45 मिनट का काम है वो 45 मिनट में वो करेंगे. और जो आपका काम है वो आपको करना है. यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स. द चाइल्ड हु लर्न्स द वर्ड फॉर व्हाट ही इज एक्सपीरियंसिंग इज डीपली कंफर्टेड. उसको बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये चैरिटी था जो मैंने 10 पैसा देकर आया, जो मैंने 50 पैसा देकर आया, ये चैरिटी था. बहुत कंफर्टेबल फील करता है. सिंस समवन हैज एक्नॉलेज हिज एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस को, उसके तजुर्बे को किसी ने एक्नॉलेज किया, पहचान लिया, सुन लिया, मान लिया. मैंने आपको एक गिफ्ट दिया, आपने थैंक यू बोला, मुझे अच्छा लगेगा. आपको एक रोज दिया मैंने, आप ठीक लेके चले गए. मैं इस एज में उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूं. तो वो तो बच्चा है, वो नहीं करेगा. गिव अ चाइल्ड हिज विशेस इन अ फैंटेसी. अभी बहुत मर्तबा बच्चे ऐसे होते हैं, किसी ने कहा 3 हट से जो है वो दूर रहना, बाल हट, स्त्री हट और राज हट. ये जो इनकी जिद होती है, बच्चे की जिद, स्त्री की जिद और राज्य की जिद, पॉलिटिकल जो होता है उसमें उलझने का नहीं. डू एंड गेट रीड ऑफ इट. जो बोला वो करो और निकल जाओ. तो बाल हट, बच्चे की जिद, स्त्री हट, बीवी की या गर्लफ्रेंड की जिद और राज हट यानी पॉलिटिकल लोगों की बातें. एक राजा के पास, राजा ने कहा, किसी ने, वजीर ने कहा कि ये 3 चीजों में नहीं उलझना चाहिए. राजा ने कहा क्या है उसमें? बोले मैं तो राजा हूं. बोले लाओ बच्चे को, किसी बच्चे को लाओ, मैं उसकी जिद पूरी करता हूं. तो बच्चे ने कहा कि मुझे पहले वाटी दो. वाटी लेकर आया. फिर कहा मुझे हाथी दो. हाथी लेकर आया राजा उसने. फिर कहा इस हाथी को वाटी में बिठाओ. फिर कहा इस हाथी को वाटी में बिठाओ. राजा बिठा सकता है? कोई भी नहीं बिठा सकता. मगर ये बच्चे की ख्वाहिश को आपको फैंटेसी में, फैंटेसी लैंड समझ रहे हैं ना, उसके फैंटेसी में उसको दे दो. अभी आप समझिए, बच्चे को लेकर गए जूहू बीच, वहां घोड़े पे बिठा दिया. अब बच्चे को अच्छा लगा. अच्छा बोला नहीं पापा मेरे को घोड़ा दिलाओ. अरे वो तो 20 रुपये में एक राइड देता है, 50 रुपये में एक राइड देता है, घोड़ा कहां से खरीदूं मैं? चलो 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 नहीं ठीक, ये घोड़ा तो उनका है, अपन देखेंगे. कोई घोड़ा लेकर आएंगे, कोई घोड़ा लेकर आएंगे. ठीक है, आप चले जाइए दुकान में और उसको जो रॉकिंग हॉर्स है वो दिलाई. वो तो दिला सकते, रॉकिंग हॉर्स तो दिला सकते. रॉकिंग हॉर्स दिलाई. उसको ये समझ में आया कि मैंने जो मांगा था वो नहीं मिला. मगर उसको ये समझ में आएगा कि फॉर मी माई फादर, माई पेरेंट्स कैन डू समथिंग. घोड़ा जैसा तो कुछ लाके मुझे दे सकते हो, इफ नॉट घोड़ा. ओके, तो उसके फैंटेसी में उसको, जब वो बैठेगा घोड़े पे तो वो ऐसा सोचेगा कि मैं घोड़े पे बैठा हूं कर, एंड ही विल प्ले इट. जस्ट समटाइम जस्ट हैविंग समवन अंडरस्टैंड हाउ मच यू वांट समथिंग मेक्स रियलिटी इजियर हो जाता है. फिर बाद में वो सोचता है कि ये घोड़ा हम लाके रखेंगे, किधर क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें सोचेगा. बिकॉज वो रॉकिंग घोड़ा भी तो आपको कहीं रखना है.
तो इंसान का बच्चा है, आपका बच्चा है, वो आप थोड़ी सी बातें उसके समझ में आएंगी. रियलिटी हॉर्स एंड रॉकिंग हॉर्स वाइल फॉलोइंग दिस मेथड बी कॉशियस फॉर यूज द करेक्ट वर्ड. नो योर चाइल्ड वेदर ही वॉन्ट्स योर साइलेंस और ही वॉन्ट्स यू टू आस्क समथिंग. दिस यू कैन गेज बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. मुझसे कोई ये नहीं पूछे कि वो कैसा करना, आपको ट्राई करना पड़ेगा. आप गलत साबित हो गए फिर दूसरा करना पड़ेगा, आप गलत साबित हो गए फिर तीसरा करना पड़ेगा. ट्रायल एंड एरर का सिस्टम आपको चलाना पड़ेगा. एंगेज अ चाइल्ड्स कोऑपरेशन. दिस कैन बी डन बाय डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम व्हाट यू सी इट. हार्ड टू डू अ टास्क व्हेन पीपल आर टेलिंग यू व्हाट इज रॉन्ग विथ यू. किसी को आप बोलो आप गलत हो, गलत हो, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, अगर कोई आपके साथ में निकालता है तो आपको बहुत बुरा लगता है. ऐसे बच्चे को भी बुरा लगता है. एक बच्चा टॉय लेकर आए, अभी आप टॉय लेकर आए और अभी उसने तोड़ दिया. अभी आप टॉय लेकर आए और अभी उसने तोड़ दिया. पहली बात तो हम ये समझे कि हमने टॉय हमारे लिए लाए थे क्या. हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसके टॉय तोड़ने पर हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए. हमने टॉय हमारे लिए लाए थे? नॉट एग्जैक्ट, बिल्कुल नहीं. हमने अपना टॉय जो भी खरीद के लाया वो बच्चे के लिए लाया. अब उसने तोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगा, मैं उसके साथ में बैठ जाऊंगा. अरे पापा कैसे टूट गया ये, टूट गया. फिर आप लीजिए और उसको जोड़ने बैठ जाइए, वो भी जोड़ने बैठेगा, वो आपके साथ में हो जाएगा. आपको क्या करना है उसके साथ में, कोऑपरेट करना है बस. उसके टूटी हुई चीज को आप दूसरी नहीं लाने वाले, ना लाइए आप. उसके साथ खाली कोऑपरेट कीजिए बस. या अब ये टूट गई, अब इसको कुछ नहीं कर सकते, मैं भी नहीं बना सकता. वो फिर बाद में आप जैसे बनाओगे, आप चले जाओगे तो वो भी बनाने में को लगेगा और उसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये मेरे हाथ से टूट गया है करके, ये मेरा मिस्टेक. उसको आपको बोलने की जरूरत नहीं कि तूने ये तोड़ दिया, तेरी मिस्टेक है, मैं ला के नहीं दूंगा. छोड़ दीजिए उसको, वो कभी नहीं मांगेगा दूसरा किलो. उसके हाथ से टूट गया, ही इज रिस्पॉन्सिबल. हम इसलिए नहीं गुस्सा करें कि हमने वो खेल हमारे लिए नहीं लाया था, उसके लिए लाया था. उसकी चीज थी, उसने तोड़ दिया, इतना तो उसको हक मिलना चाहिए. Am I right? इतना तो उसको हक मिलना चाहिए कि वो अपनी चीज अपने हाथ से उसकी टूटी है तो कोई दूसरा बोलने के लिए नहीं रहना चाहिए, चाहे बाप हो चाहे माँ हो. Easier to concentrate when someone just describes it to you. When grown-ups describes the problem, it gives the children a chance to tell themselves what to do. ठीक है? जब आप बनाने को बैठोगे तो वो ये नहीं सोचेंगे कि टूट गया करके. वो आएगा बोलेंगे अब्बा वो उधर नहीं, उधर डालो. What he'll say? He'll forget, टूट गया करके. What he'll say? अब्बा उधर नहीं, उधर डालो. फिर वो आपके हाथ से लेंगे, वो टायर खुद लगाने को शुरू करेंगे. बस वो टाइम आ गया कि आप निकल जाओ, उसको बिजी करने दो. गिव इंफॉर्मेशन. मेनी अ टाइम वी नीड टू गिव इंफॉर्मेशन टू अवर चिल्ड्रन. व्हेन चिल्ड्रन आर गिवन इंफॉर्मेशन दे कैन यूजुअली फिगर आउट देमसेल्फ. इंसान का बच्चा है, जैसे मैंने आपको बताया, मछली का बच्चा है वो तैरना सीख जाता है, शेर का बच्चा है वो शिकार करना सीख जाता है, इंसान का बच्चा है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएगा. कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है कि हमको उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि ये शायद स्क्रू ड्राइवर से ठीक हो जाएगा. मैं बोलता हूं ना स्क्रू ड्राइवर से ठीक हो जाएगा, नहीं, ये स्क्रू ड्राइवर से शायद ठीक हो जाएगा. स्क्रू ड्राइवर लाके आपने दे दिया, उसको आपने थोड़ा घुमा दिया, छोड़ दिया, वो अपना घुमाते बैठे. इन्फॉर्मेशन देना है आपको. वॉट नीड्स टू बी डन इन्फॉर्मेशन इज अ लॉट easier to take than accusation. A child sitting in a toilet without slipper. बच्चा without slipper toilet में जाता है, मार खाता है बच्चा खूब, इतना मारती है माए के पूछो मत. फिर बाप के आने के बाद बाप को भी शिकायत, वो उधर गया, अंदर गया, पूरे घर में वो कर दिया, फिर मुझे साफ करना. द कंप्लेन इज मुझे काम करना पड़ा.
कितनी बड़ी बड़ी आंखें बदलते हैं। देखिए, ये आपने अच्छी बात बताई, जब जानवर भी आपके सामने आता है तो लोग ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट, मगर अगर बोलते शेर भी अगर आपको जंगल में मिल गया